बैठत सुखिया बैठत सुखिया भाव नहीं लागे ऐसे रखा एक हमारा समय सगल सता का स्वे अचिंता जाग चिंता जहा कहाँ प्रभु को कर सुख बसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दड़ाया कहो नानक गुरु मंत्र दड़ाया रखा एक हमारा समय सगल सता का अंतर्याम स्वे अचिंता जाग चिंता जहा कहाँ प्रभु को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपसी साझ टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। अज जिस शख्सियत दे नाल असी तुहानू मिलाउण जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर दे विच जम्मू डिस्ट्रिक्ट तहसील आरसपुरा दे बॉर्डर इलाके का पिंड सीर है। काफ़ी दूर दराड़ एरिया है, जम्मू तो करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ये सीर पिंड करके पैंदा है। इत्थे दी एक शख्सियत है जिन्हां दे नाल असी तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हैं। आओ असी इन्हां तों ही इन्हां दा इंट्रोडक्शन लैंदे हाँ। भाई साहब जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपसी सांझ टीवी ते सब तों पहलां तां तुहाडा स्वागत है। साडा मकसद है कि ओह शख्सियतां जो गुणी ने पर उन्हां नूं जिहड़ी साडी संगत है वह नहीं जानती, असी उन्हां नूं संगत दे रूबरू कराउंदे हाँ। तो अज असी आप जी दे पास पहुँचे हाँ, तो आप जी का नाम मैनू अमूमन जसवंत सिंह नाम दे नाल ही सारे इत्थे दे लोकी जानदे हन। तो भाई साहब जी, असी तुहाडे कोल पहुँचे हाँ, तुसी अपना जो पिछोकड़ है, जो तुसीं अपना पिछोकड़ अपना बचपन कित्थे दा है, जन्म कित्थे दा है, उहदे बारे च जिहड़ा सानूं संखेप दे विच जानकारी दो। जी, मेरा जन्म इसे स्थान ते सरदार अमर सिंह अते माता करम कौर दी कुखों जन्म होया। उस तो बाद मैं स्कूल विच पढ़न विच माता पिता ने पा दिता ते 10+2 गौरमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज तो की। साइंस कॉलेज तो एजुकेशन प्राप्त करन दे उपरंत मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। एयरफोर्स में तकरीबन 18 साल मैं सर्विस की। उस तो बाद रिटायर होके
और करे आ गया। तो जिस मकसद दे लई असीं तुहाडे कोल पहुंचे हाँ, स्क्रीन ते तुसीं देख रहे हो कि इन्हां दे जड़ा रूम हैगा इहदे विच बहुत ही तरह के साज पए हुए आ। तो इन्हां दी शख्सियत जिहड़ी है, असीं एज ए म्यूजिशियन, एज ए गुरु, एज ए जो टीचर उस्ताद असीं तुहाडे सामने लैके आवांगे। तो तुहाडा सब तो पहला तो सानू यह दसो कि तुहाडा म्यूजिक वल रुझान जिहड़ा आ वो कदों तो शुरू होया? हाँ, म्यूजिक वल रुझान मेरा ये बचपन तो ही शुरू होया। बचपन तो मेरे पिता जी कीर्तने सीगे, कीर्तन करते सी, ते उन्होंने भी आर्मी में सर्विस की हुई सी। सर्विस तो रिटायर होने के उपरंत वो इस पिंड ही ग्रंथ की ड्यूटी करते रहे। तो उतों ही जिथे कितने प्रोग्राम होना, कितने फंक्शन होना, मैं छोटा जा बालक सा, पिता जी मैं अपने नाल ले जाते सन, तो ये जड़ी लगन है उन्होंने नाल ही मैं लगी। बहुत वधिया, इहदा मतलब कि तुसी अपना घर दे विच्चों ही इस लगन नूं नाल लैके चले हो। तो उस तो बाद तुसी जिवें दस्या कि अपनी पढ़ाई पूरी करन तो बाद तुसी एयरफोर्स ज्वाइन कीती है जी। तो एयरफोर्स दे विच रहन दे दौरान 18 साल तुसी सर्विस दे विच जी, किस तरीके दे नाल इस म्यूजिक नूं अपने नाल बैलेंस रखिया? म्यूजिक नूं इस तरह मैं एज ए हॉबी अडोप्ट कीता, ते जिहड़े जिहड़े एयरफोर्स दे विच गुणीजन सन उन्हां नाल संगत रखी। काफ़ी अच्छे लोग सन, कोई सरोदस सी, कोई सितारस सी, ते उन्हां नूं सुनदा रहा ते उन्हां तों इह गुण हासिल कीता। तो तुहाडे कोल असीं देख रहे हां कि बहुत तरह दे साज पए होए ने। सब तों अच्छा साज जिहड़ा तुहानूं लगदा होवे उह किहड़ा हैगा? मेरा फेवरेट साज है वायलिन। वायलिन बजाउंदा हाँ, ते वायलिन दी सिक्ख्या इस तरह है, जब मैं इलाहाबाद सी उत्थे मेरे एक बार सिविल दे विच गुरु सन, ते उन्हां तों मैं अपनी ड्यूटी करन दे उपरंत टाइम लैंदा सां, ते उन्हां तों जाके वायलिन दी सिक्ख्या लैंदा सां। उत्थे एक प्रतियोगिता हुई, संगीत सम्मेलन होंदा है जो कि उत्थे दी काफ़ी फेमस प्रयाग संगीत समिति है, वो हर साल फंक्शन ऑर्गनाइज करते हैं। उत्थे मैं पार्टिसिपेट किया, ते वायलिन विच प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत वधिया। ते जिवें कि तुसी दस्या वायलिन तुहाडा सब तो जड़ा करीबी साज रहा है, तो गुरबाणी दे नाल लगन तुहाडी तुहाडे पिता जी दे संग साथ नाल ही शुरू हुई जी। तो गुरबाणी दे विच तुसीं कित्थे तक म्यूजिक नूं अगे वधाउण दी कोशिश कीती जां लै के चल रहे हो? गुरबाणी दा इस तरह है कि ये जिहड़ी हॉबी है इस नूं मैं छड्डिया नहीं, रियाज़ करदा रहा, ते कई एक बच्चे जिहड़े सुनदे सन ओह मेरे कोल आउंदे रहे, और गुरबाणी संगीत दी सिक्ख्या मेरे तों लैंदे रहे। इत्थे दा एक प्रसिद्ध रागी है दलजीत सिंह, जो कि साढ़े नज़दीक के पिंड चक मुहम्मद यारद है, तो उन्हें भी सीखा, तो वह भी इस कला काफ़ी प्रफुल्लित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जे दलजीत सिंह जी हजूरी रागी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की शायद तुसी गल कर रहे हो जी? जी जी हाँ, बहुत रस भिन्ना कीर्तन कर देना है। पर असी तुहाडे तो यह भी पूछना चाहवांगे कि जिवें तुसी वायलिन दस्या, गुरबाणी दे विच तुसी ज़्यादा हारमोनीयम बजाउंदे जे, होर इस तों इलावा किहड़े किहड़े जिहड़े साज ने तुसी महारत हासिल है तुहानूं? मैं मैंडोलिन भी बजाउंदा हाँ जी, गिटार भी वैसटर्न स्टाइल दे नाल कॉर्ड्स वगैरह, ते इंडियन क्लासिकल भी उत्ते अलाप कर लईदा है, बढ़त कर लईदी है। गिटार भी बजाउंदा हाँ, मैंडोलिन, गिटार, और तुसी जे देख रहे थे मेरे कोल सिंथेसाइजर पए हुए हैं, वो भी बजाता हाँ। कोई चीज़ा अपन कंपोज करनिया हो कर लैंदा हाँ, अपन कंपोजिशन बना के ते संगत दे समुख रखी जाती। जिवें कि तुसी गुरबाणी की गल की, अज असी चाहवांगे कि साढ़े दर्शक जड़े ने वह तुहाडे तो सावन का महीना चल रहा है, तो इस संबंध के विच जो राग है, जो मल्हार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤ
तो असं तुहाडे बहुत बहुत धन्नवादी होवांगे। हाँ, मैं जरूर तुहानू वो शब्द सुनावांगा। सावन सरसम सावन सर समना से आ, 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 आ,
तो भाई साहब जी अगला प्रश्न असीं तुहानूं करांगे, जिवें कि तुसीं दस्या कि तुसीं अपने कोल इत्थे एक रूम बनाया, तो क्या तुहाडे कोल कोई शागिर्द जिहड़े आ उह सिखण लई आउंदे आ? मेरे कोल छोटे बच्चे ने, एक बच्चा मेरे पड़ोसता है, तो उन्हों मैं शास्त्रीय गायन विच तकरीबन 5 राग करवाए हन। बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल दे विच पढ़ता है। तो एक प्रसिद्ध पुस्तक है क्रमिक पुस्तक मालिका श्री विष्णु नारायण बातखंडे, उस पुस्तक को रैफर करके वो बच्चे को मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे रहा हाँ। जिवें कि तुसीं जानते ही हो कि अज दे जड़ा जमाना, अज दा जड़ा दौर चल रहा है जिन्हों मॉडर्न युग कहा जाता है, ये जो संगीत है वो जड़ा शास्त्रीय संगीत या पुरातन शैली जी गुरमत की शैली सी, वो हुण किते ना किते अलोप होंदी नज़र आ रही है। तो तुसीं की चाहोगे कि अज दे जिहड़े बच्चे है वो कुछ देर सीख के अपने आप नूं उस्ताद समझन लग पैंदे आ, तो रियाज़ दे बारे विच तुसीं किन्ना रियाज़ करदे हो ते अज दी जिहड़ी पनीरी है उहनूं किन्ना कु रियाज़ करना चाहीदा इहदे विच? ये बड़ा अच्छा प्रश्न तुसीं कीता है। रियाज़ जिहड़ा है ये संगीत दा आधार है, ते रियाज़ जिन्ना मैं तकरीबन दिन के दो तीन घंटे तो डिवोट कर लैंदा हाँ, जिससे मैं फुरसत लगती है कोई इंस्ट्रूमेंट लैके, कोई हारमोनियम लैके, तो गायकी का रियाज कर लैंदा हाँ। तो यही इस तरह ही बच्चों भी मैं सिखा देता हाँ। रियाज बहुत जरूरी है, तो मेरी यही कोशिश है कि ये जी सा शास्त्रीय गायन वाद की जड़ी है कला ये प्रफुल्लित रहे, और बच्चे ने भी यही प्रेरित करता हाँ कि वह रियाज करन, सिक्ख्या ग्रहण करन। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। अज सीर पिंड दे विच असी आए सी भाई साहब जी नूं मिलन दे लई, इन्हां नूं तुहाडे रूबरू करवाया है, अते होर भी इस तरह दीयां शख्सियतां असी आप जी दे सामने लै के आउंदे रहांगे। आपसी साझ टीवी वालों आप सब जी नू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करण हर जस नेत्र करण हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ, फलहार जाए सदा नान, फलहार जाए सदा रहे गोपाल, मन तन बस रहे गोपाल, मन तन बस रहे।